बाद अब कर्नाटक की सत्ता औपचारिक रूप से कांग्रेस के पास है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। हिमाचल के बाद कांग्रेस ने यहां बहुमत से सरकार बनाई, जिसके बाद सिद्धारमैया और DK शिवकुमार को डिप्टी CM बनाया गया। यहां कांग्रेस की सरकार को बने कुछ ही महीने हुए हैं कि सरकार गिरने की खबरें आने लगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने सोमवार को सरकार गिरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के बावजूद कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ लोग हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इस बार बेंगलुरु के बजाय सिंगापुर में मीटिंग करने का विकल्प चुना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुछ BJP और JDS नेता एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेंगलुरु और दिल्ली में बैठक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। अब सिंगापुर के लिए टिकट बुक हो चुका है। इसके अलावा शिवकुमार ने कथित तौर पर रविवार को राजराजेश्वरी नगर निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रम में सिंगापुर बैठक के बारे में बात की, जहां अन्य दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें, शनिवार को भी शिवकुमार ने दो बार ये मुद्दा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ BJP ने शिवकुमार के दावे को लेकर कहा है कि कांग्रेस ये सभी दावे मीडिया और जनता का ध्यान MLC BK हरिप्रसाद की नाराजगी से हटाने के लिए कह रही है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह की ओर इशारा किया। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तंज कसा था। कर्नाटक कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर वो नाराज थे। तब हरिप्रसाद ने कहा था कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि CM कैसे बनाना है और कैसे गिराना है। हरिप्रसाद के इस बयान के बाद सिद्धारमैया के समर्थक और कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सचिव वरुणा महेश ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि CM सिद्धारमैया के खिलाफ बोलने के लिए हरिप्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इन बातों से तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी में अपनी सरकारों में ही मतभेद चलता रहता है। BJP के इस दावे के बाद पार्टी के मतभेद की बात तो सामने आ ही चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार बार बार कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है।